और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और अभी चूंकि वहां बारिश भी है और बारिश के दौरान ही वीर योद्धाओं को नमन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। भोपाल से तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। ऑपरेशन विजय आज से ठीक 25 साल पहले संपन्न हुआ था, आज ही के दिन। और ऐसे में उन्होंने जो अदम्य साहस और शौर्यता दिखाते हुए वीर सपूतों ने जिस तरह से देश की उस महत्वपूर्ण भूमि को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाया, उसके लिए आज देश उनका ऋणी है। और आज विजय दिवस के इस वर्षगांठ पर सभी उन वीर सपूतों को याद कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। देश की सीमाओं के अंदर भूगल का देश पाकिस्तान अपने सैनिकों को घुसाता है और पूरा देश एक तरह से आश्चर्य में जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेना को निर्देश दिया और हमारी सेना में गर्व है जिसने इतने दुर्गम चढ़ाई के बीच भी अपनी जीवटता के साथ न केवल देश की सीमा की रक्षा की बल्कि ये युद्ध का सबसे बड़ा इतिहास बना। इतनी हाइट पे दुश्मनों और दुश्मन के तमाम चुनौतियों के बीच न केवल हम अपनी वापस टाइगर हिल्स पर झंडा फहराते हैं बल्कि विजय की गाथा लिखते हैं। ऐसे अप्रतिम बलिदान के, योगदान के, सेना के साहस के एक अद्वितीय युद्ध में जीत का भारत का नया इतिहास बना है। मैं 25 साल हो गए, ये बहुत कठिन युद्ध था, इसमें से कई हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, कई लोगों के जीवन में ये बहुत कष्टकारी, जिनके परिवार से कोई गया उनकी आत्मा जानती है, लेकिन भारत के इतिहास के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए, जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और सेना को बधाई देता हूं। देश उनके साथ खड़ा है, जब भी चुनौती आएगी सेना हमारी सब तरह से समर्थशाली है, वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है। बहुत तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं देश के उन वीर अमर सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए उसके एक महत्वपूर्ण भूमि के उस क्षेत्र के लिए उन्होंने बलिदान दिया और उसे नमन कर रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रायपुर में रेलवे स्टेशन पर अमानवीयता की एक तस्वीर सामने आई जहां एक शख्स को बांधकर पूरे प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया और